कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम बदलते किस्मत में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी लाइव प्रोग्राम है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए आप भली भांति जानते हैं आपको करना क्या है। दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है और सीधे हमारे साथ जुड़ना है। आपको इस मंच पर जब आप जुड़ जाते हैं, इस मंच पर कभी भी आपको अपनी समस्या बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। दर्शकों, आपके दिल की बातें, आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो सारी बातें गुरु जी खुद बुद्ध खुद समझ जाते हैं। और यही तो एक सच्चे गुरु की निशानी है कि बिना आपके कुछ कहे वो आपकी बातें सारी खुद ब खुद समझ जाए। तो आइए आज भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, जाने माने ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष सम्राट, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, आइए मिलकर उनका स्वागत करें। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी गुरु जी। हमारे साथ हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले राजेंद्र है हमारे साथ अलवर से। स्वागत है राजेंद्र जी। हाँ जी जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? राजेंद्र शर्मा, 13 अगस्त 1970 डेट ऑफ बर्थ। थोड़ा जोर से बोले, 13 अगस्त 1970। 1970 समय बताए। हाँ जी, समय 12:50। 12:50 कब के? गुरुवार, गुरुवार 12:50 AM सुबह सुबह के। ठीक है, और जन्म स्थान बताइए? अलवर, राजस्थान। अलवर का ही है, ठीक है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, ये 12 की रात है कि 13 की रात है? ये 13 की सुबह, मतलब 12 की रात। क्या नाम है? जिनका नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी, कुंडली बनी है आपकी? हाँ जी। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि आपके वृश्चिक राशि है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपको सप्तम घर को लेकर के है। सप्तम घर में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है और सप्तम घर में जब चंद्रमा 8 नंबर में होते, या किसी में जब 8 नंबर में चंद्रमा होते तो नीच के हो जाते हैं, और 8 नंबर का मालिक जो है वो मंगल होता है। तो आपकी कुंडली मंगल भी नीच का है और सूर्य से पूर्णतः अस्त हो रखा है, और नवमास कुंडली के सप्तम घर में शनि राहु का बना हुआ है पितृदोष। तो यदि आपके टाइम सही हैं तो कहीं ना कहीं इस कुंडली में आपकी मैरिज लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब बता रहा है। ये कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को, व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानी देता है। साथ साथ इस कुंडली में शनि जो है आपके नीच का होकर बैठे हैं द्वादश घर में, और द्वादश घर क्या होता है? जेल यात्रा का, केस मुकदमा का, पैसे खर्च करने का, अनएक्सपेक्टेड परेशानी आपको देना स्टार्ट कर देगा। तो आप सबसे पहले क्या करें कि कुंडली बनने से नहीं है, एक अच्छे ज्योति से मिलकर पूरी कुंडली को बढ़िया से 24 कुंडली बनवाएं। दूसरी बात, राहु आपके 10th हाउस में बैठ करके एक इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल जॉब में होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब हो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जहाँ पे राहु बैठा हुआ है उस घर का मालिक शनि जो खुद नीच का होकर बैठा हुआ है, तो कोई ना कोई या तो बिजनेस में परेशानी देगा या नहीं तो आपको जॉब से संबंधित परेशानी देगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि कुंडली में आखिर दशा क्या जा रहा है। तो दशा जो है वर्तमान आपके चल रहे हैं मंगल में राहु का। वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है हो जाता है मार्केश। तो ये स्थिति बन रखी है कि 2018 से ऐसे तो समय स्टार्टिंग से लगभग कह सकते हैं कि 5-6 साल से डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन 2018 जनवरी से आपके समय रिवर्स जा रहे हैं, जो कुंडली के अनुसार जून 20 तक आपको परेशान करेगा। पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, बेवजह कोई केस मुकदमा का चक्कर लग जाना, ये परेशानी आपके साथ लगा रहेगा। कोई ना कोई समस्या से आप जूझते रह जाएंगे। तो कुंडली बनना बड़ी बात नहीं है, कुंडली बना करके उसका निवारण करना बड़ी बात होता है। क्या आप सहमत हैं गुरु जी की बातों से राजेंद्र जी? हाँ जी, सहमत है तो जरूर बातों का ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से अब हम बात करेंगे।
आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आप प्रकाश से जो भवानी से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका प्रकाश जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार प्रकाश जी, बताएं। गुरु जी जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी अपने पोते के बारे में जानकारी चाहिए थी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरु जी 23 जुलाई 2019। 23 जुलाई 2019। समय 147 दिन में। कहाँ का जन्म है पोते का? कितना बोले इनका? 23 जुलाई 2019। हाँ जी 1:47। जी स्थान बताइए, जन्म स्थान? दिन में जी। हाँ जी जन्म स्थान बताएं। गुरुग्राम। हाँ जी। क्या नाम रखा है पोते का? अभी कुछ नहीं रखा जी, अभी तो परसों ही हुआ है तो। हाँ जी हाँ जी। चलिए 23 जुलाई का जन्म है, आज तो 24 है, तो परसों कैसे हो जाएगा? कल होगा ना, आपने कहा परसों हुआ है, आप डेट बता रहे हो 23 जुलाई, आज है 24 जुलाई, तो परसों कैसे हो जाएगा? डेट मिस मत कीजिएगा। मैंने 23 जुलाई डाला है, बच्चा हुआ है गंडमूल नक्षत्र में। आपने गंडमूल की पूजा करवाई है? करवाएंगे ना फिर। हाँ कल ही तो हुआ है गुरुजी। हाँ कल हुआ है, तो आप पंडित जी को कुंडली दिखाए थे? नहीं गुरुजी कुछ नहीं, आपसे ही पूछ रहे हैं पहले। पूछने से हो जाता है? पूछ के खाली पूछने से ज्योतिषी नहीं होता। आपके बच्चे जैसे जन्म लिए थे, इनका पोता तुरंत दिखाना चाहिए था। ये 27 में पड़ा हुआ है, और 27 में नियम होता है कि जब तक 27 नहीं होता है तो पिताजी मुंह नहीं देखते बच्चे का, अशुभ होता है। तो आप लोग दिखाते नहीं हो, खाली पूछते हो फोन से क्या होगा, तो थोड़ी उसे होगा। मैंने कई बार कहा है जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत कुंडली दिखाइए। 27 में तो नहीं है, मार्केस में तो नहीं है, इस तरह से बच्चे परेशान हो जाएंगे और ये बच्चे चले जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और परेशान हो जाएगा बच्चा इसका। ये चूँकि ये कुंडली तुला लग्न की है, राशि इनके मीन राशि है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि कुंडली का पोजिशन क्या कह रहा है। तो कुंडली की ओर हम बढ़ते हैं तो स्थिति बन रखा है इसमें, ऐसे तो बच्चे ने निश्चित कल ही जन्म लिया है, छठे घर से इनका बना है केंद्रम योग। और छठा घर क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु। तो अब बच्चा को तभी ऋण तो हो नहीं सकता क्योंकि अब जन्म ही लिया है, तो इसके हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस रहें। इनको हेल्थ प्रॉब्लम देते रहेगा और आपके डॉक्टर के यहाँ दौड़ते 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 आपको परेशान कर देगा। कल जन्म लिया है, आप परेशान परेशान हो जाएंगे पोता को लेकर के डॉक्टर के यहाँ दौड़ते दौड़ते, क्योंकि 27 में तो हुआ भी है और साथ साथ इनके छठे घर से बना हुआ केमदम योग जो कि एक रोग का बीमारी का संकेत देता है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके बच्चे हैं बिल्कुल जैसे जन्म लिया तुरंत अभी भी बनवा लें और पूरी 24 कुंडली बनवा करके कहाँ कहाँ जो समस्या है उसको निवारण करवा लें कि बच्चा डॉक्टर के यहाँ जाने से बच सके। क्या आप सहमत हैं? हाँ जी सहमत है। तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखेगा, बच्चा अभी छोटा है, अभी जन्म ही लिया है, तो शुरुआत से अगर बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब रेनू है अमृतसर से, उनसे बात करेंगे। स्वागत है रेनू जी। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी आशीर्वाद जी। हाँ जी 17 फरवरी। हाँ जी 1986। समय बताएं। शाम के 6:20। 6:20 6:20 शाम के। कहाँ का जन्म है? हाँ जी अमृतसर। अमृतसर का। आप ही की डिटेल चाहिए? बेटे की है। बेटे की है, बेटे का नाम बताएं। सुनील। ठीक है। सिंह लग्न की कुंडली है, वृषभ राशि। सिंह लग्न की कुंडली वृषभ राशि और इनके दशम घर में चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, तो ऐसे बच्चे UPSC करके IRS में सेलेक्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जितना अच्छा योग बना है, क्योंकि सप्तम घर में चतुर्थ घर में दो दो जगह राजयोग बना हुआ है, लेकिन किसी राजयोग का लाभ नहीं होने देगा। आप जहाँ भी कुंडली दिखाएंगे सभी कहेंगे टॉप की कुंडली है, टॉप की कुंडली है, और टॉप टॉप सुनते सुनते बच्चे की पूरी जिंदगी निकल जाएगी। क्यों? कि इनके डिविजनल पार्ट्स बहुत डैमेज हैं। दशमांश में केमदुम योग, चतुर्विशांश में 20 दोष चंडाल दोष, जबकि इनकी लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मैंने कहा है दर्शकों कि सिर्फ लग्न कुंडली देख के ज्योतिषी नहीं होती, जब तक कि पूरी 24 कुंडली नहीं बन जाता। और आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। लेकिन जो कुछ अशुभ योग बन रखा है वो उनको डिस्टर्ब करेगा, और ख़ास करके शाम का जब जन्म होता है तो मैंने देखा है कि मैरिज में बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जब शाम का टाइम आता तो सूर्य चल जाते सप्तम घर में और वहीं से परेशानी शुरू कर देते वो। और इनकी कुंडली में तो अशुभ योग भी बना हुआ है, और साथ साथ इनकी कुंडली सिंह लग्न की है,
राशि वृषभ है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चे का दशा क्या जा रहा है। तो बच्चे का समय जो है अप्रैल 2019 से टॉप टाइम शुरू हो चुका है। तो हम आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कभी किया है? नहीं पंडित जी, आप अपना काम करते हैं और शादी के बारे में बताएं। शादी नहीं, मैं तो कहा ना शादी नहीं, हम देखा प्रॉब्लम करेगा। सप्तम घर में सूर्य बैठा हुआ है, नमाज कुली में केमदूम जो बना है, चंडाल दोष बना है, तो मैरिज होने ही नहीं देगा। विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगी। और ये समस्या का समाधान फोन से नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 22 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच इसी साल शादी होगी। लेकिन इसके लिए आपको कुंडली दिखाना पड़ेगा, अच्छे ज्योतिष से मिलना पड़ेगा। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपने कहा 5 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा फीवर, और आप दवाई खाओगे नहीं, चल जाओ 6 दिन मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर क्या कर सकता। तो मैंने आपको डेट निकाल दिया कि 22 नवंबर के आसपास शादी होनी है, लेकिन उपाय नहीं करोगे डेट निकल जाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे आप। उपाय ये कुंडली इतनी अच्छी थी कि कुंडली बिल्कुल बिजनेस का था ही नहीं, 99% गवर्नमेंट जॉब, लेकिन आपने उपाय नहीं किया जिससे कि बच्चा आपका डिस्टर्ब हुआ है। इनके चतुर्विशांश में भी केंद्र योग बना हुआ है और दशमांश भी बना हुआ है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर पूरी कुंडली बनवाएं, अन्यथा लड़की वाले आएंगे, आपकी बातचीत होगी, बात जमने नहीं देगा और समय निकलते जाएगा निकलते जाएगा। रेणु जी क्या आप सहमत हैं? चलिए संपर्क शायद हमारा टूट चुका है, कोई बात नहीं, उम्मीद है आप सहमत ही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, जवाब लेना चाहती हैं, तो ज़रूर आप दोबारा से कांटेक्ट कर सकती हैं। लेकिन कांटेक्ट करने का समय ध्यान में रखिएगा, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, ये 1 घंटे का समय आप लोगों के लिए है दर्शकों। अगर लाइव प्रोग्राम में आपकी बात नहीं हो पाती है, किसी कारणवश आपका फ़ोन नहीं लग पाता या फ़ोन लाइन्स बिजी रहती हैं, आप बात करना चाहते हैं, तो सुबह 9 से 10 के बीच में भी बात कर सकते हैं गुरु जी से। नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आप क्या सोच रहे हैं दर्शकों, अगर आप भी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े प्रोग्राम से, लाइव प्रोग्राम है, कांटेक्ट करें, नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरुजी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को संदेश दें कि जन पत्रिका बनवाना और जन पत्रिका का आंकलन करवाना कितना ज्यादा, दोनों में बहुत अंतर है मोनिका जी। बिल्कुल, जन्म पत्रिका तो बहुत लोग बना के दे देते, कुछ लोग कंप्यूटर से निकाल भी लेते हैं। तो जन्म पत्रिका बनने से नहीं होती है, वो 24 कुंडली बन करके उसका निवारण करने से होता है। और दर्शकों हम हर प्रत्येक कार्यक्रम में, मैं भी कहता हूँ, मोनिका जी भी कहती हैं कि इस कार्यक्रम में समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती। और मेरे कार्यक्रम में नहीं, मैं तो कहता हूँ कि किसी भी ज्योतिष के पास जाएं तो कभी समस्या ना बताएं। अभी जो एक दर्शक ने बात की, उन्होंने कह दी शादी के बारे में जानना चाहते हैं जी। आप सुनिए कि मैं क्या कहता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक शब्द बोलना नहीं पड़े, कभी नहीं बोलना पड़े। और आपको मैं निवेदन भी करूँगा कि हमारे कार्यक्रम जब भी फोन लगाते हैं प्लीज आप सुने कि मैं क्या कहता हूँ, फिर बाद में बताएं आप। बिल्कुल दर्शकों, एक श्रोता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अच्छी तरीके से सुना करें। आगे बढ़ते हैं, गीतिका हैं दिल्ली से, अगली दर्शक इंतजार कर रही हैं बात करने का, तो सीधे उनसे बात करते हैं। स्वागत है गीतिका जी। हाँ जी, दीपिका है मेरा नाम। हाँ दीपिका जी, बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी। हाँ जी, 4 जनवरी 1990 जी। समय बताएं। समय है 2:40 दोपहर का। कहाँ का जन्म है? जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली का जन्म 2:40 जी, दोपहर के 2:40 दिल्ली का जन्म है। गीतिका इनका नाम है। दीपिका जी कुंडली बनी हुई है आपकी? हाँ जी पंडित जी, जय माता दी, बनी हुई है। वृषभ लग्न की कुंडली है, मीन राशि है, आपका जन्म गंडमूल में हुआ था। सबसे पहले आप मांगलिक हो, मांगलिक से डरने की बात नहीं है, ये जोक होता है, इसमें इतना ही काम है कि लड़का भी मांगलिक होना चाहिए। आपकी कुंडली में जो मेन प्रॉब्लम हो रखा है, आपके पास कुंडली है उसको खोल करके देखेंगे, चंद्रमा आपका 12 नंबर में है, 11 नंबर और 1 नंबर का घर दोनों खाली, अर्थात लाभ के घर में, एकादश घर में चंद्रमा है और आगे पीछे खाली, बच्चे पूरी लाइफ खाली। मैंने एक नहीं, ऐसे ऐसे 19,774 कुंडली देखा है, 1957 1962। और मैंने फ़ोन से कह दिया कि आपकी शादी नहीं हुई, तो कहते हैं हाँ गुरुजी मेरी शादी नहीं हुई, आपको कैसे पता लग गया, ऐसे लोग चौंक जाते हैं। तो ग्रह जो है खुद बोलता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्योतिष को बताने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। आपके जीवन में हर काम बनता बनता बिगाड़ेगा, चाहे वो करियर की बातें हो या मैरिज की बातें हो। लाइफ में स्टेबिलिटी तब तक नहीं देगा जब तक आप निवारण नहीं करोगे। हमारे मोटरसाइकिल में प्लग शॉर्ट करेगा, जब तक प्लग चेंज नहीं करेंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे लाख हम किक मारते चले जाएं। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के पूरी कुंडली बनवा, और मैं निवेदन करूंगा कि जब तक इसका सही निवारण नहीं हो जाता, भूल के शादी मत करना, अन्यथा आपको ऐसा फंसा देगा
फिर आपकी शादी टूट जाएगी और परेशान परेशान हो जाओगे। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा बहुत किस्मत वाले को मिलता है और आपकी कुंडली में 2011 से नहीं दो अक्टूबर 10 से ही कहें समझ लीजिए कि 8.5 साल आपका जिंदगी का टॉप टाइम निकल गया। लग्नेश की दशा तो भाग्य वाले को मिलता है और अच्छे दशा में भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपकी कुंडली बना हुआ है केम जो पूरे मकान में वायरिंग तो है फ्यूज उड़ा हुआ है कहानी खत्म, तो आपकी पूरी लाइफ को ख़राब कर देगा। इसलिए पापा मम्मी से बात करके एक ऐसे ज्योतिष से मिलो जहाँ से आपको एक शब्द बोलना नहीं पड़े और पहले पूछ लो उनसे कि क्या आप 24 कुंडली बनाएंगे और 24 कुंडली की गणना भी होनी चाहिए। आप जितना जल्दी हो आप उपाय कराओ नहीं तो बेटे आपकी पूरी लाइफ खराब हो रही है। गीतिका जी क्या आप सहमत हैं? हाँ जी सहमत है, जरूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़े, ज्ञान है मुंबई से उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका प्रोग्राम में, जय माता दी। जय माता दी मैडम, गुरु जी प्रणाम जी आशीर्वाद। डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 8th May 1989। समय बताएं। 7:47 PM। 7:47 PM टाइम। बर्थ प्लेस बताएं। भद्रक उड़ीसा। भद्रस जी, भद्रक उड़ीसा। ठीक है, भद्रक भद्रस उड़ीसा का इनका जन्म है। ज्ञान इनका नाम है। ज्ञान जी कुंडली बनी हुई है आपकी? जी बनी हुई जी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि आपके मिथुन राशि हो रखे हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली का मतलब 8 नंबर से बनना, और मैंने कई बार आपको इसका एनालिसिस करके बताया है कि 8 नंबर की कुंडली में यदि ग्रहों का सपोर्ट नहीं हो तो वो क्या करता है। 8 × 2 = 16, 1 × 6 = 7, 8 × 3 = 24, 2 × 4 = 6, 8 × 4 = 32, 3 × 2 = 5, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 48, 4 × 8 = 12, 1 × 2 = 3, इस तरह से 8 अंक तक आपका एक एक अंक ड्रॉप करते जाएगा। मतलब यदि ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिला तो वृश्चिक लग्न के जो बच्चे होते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनकी समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। और आपके जो नवमास कुंडली की गणना है, नवमास कुंडली में गुरु केतु का चंद्रद्वार योग बना हुआ है और नवमास के लग्न से बना है पाप कर्तरी योग, एक तरफ राहु एक तरफ शनि, तो ऐसे बच्चों को वैवाहिक जीवन चलने नहीं देता, विवाह की बात बनने नहीं देता। आपकी शादी नहीं हुई है अभी? नहीं हुई है जी। यही खासियत है इस कार्यक्रम की, क्या बोलना नहीं पड़ता है। आप लाख प्रयास कर लोगे, लाख हाथ पर चला लो बेटा, आपको मैरिज नहीं होने देगा। और यदि बैड लक हो भी गया ना तो थोड़ा डाइवर्स करवा देगा। इसलिए इसकी पूरी कुंडली बना करके जब तक इसका सही निवारण नहीं होता है तब तक भूल के भी आप शादी मत करना, नहीं तो फंस जाओगे आप। बात बाकी आपकी मर्जी, बताना मेरा काम होता है। एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके पूरी चुनली। हमें कभी कभी आश्चर्य लगता है, हम बच्चों की शादी में 10 लाख 20 लाख खर्च कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में 10-20 लाख खर्च कर देते हैं, पैसे नहीं तो लोन ले लेते हैं, लेकिन जब निवारण की बातें आती तो उनको भारी लगने लगता है। अरे भाई निवारण आप करोगे आपको लाभ मिलेगा ना, डॉक्टर के हम लोग दिखाते हैं सही इलाज होता है, स्वस्थ कौन होता है? हम होते हैं। उपाय आप करेंगे आपको लाभ मिलेगा, रत्न अच्छी आप पहनेंगे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दर्शकों याद रखना, पहले रत्न कभी नहीं, पहले निवारण। हमारे लोटा में 5 छेद बना हुआ है, क्या पानी हम डाल दें? नहीं, पहले छेद को बंद करेंगे तब पानी डालेंगे। लोग रत्न पहन लेते करें गुरु जी फायदा नहीं कर रहा है, कैसे फायदा करेगा। तो आप अच्छे तरीके से मिलकर के इसके उपाय करा, आपकी पूरी लाइफ को खराब कर रहा है। क्या आप सहमत हैं? करियर के बारे में पूछना था गुरु जी। बहुत प्रॉब्लम है, आप सुबह 9 से 10 के बीच बात कर लीजिएगा। आपकी कुंडली में 10 मास में केंदुम योग बना हुआ है, करियर और मैरिज दोनों को दोनों डिस्टर्ब करेगा। मैं आपको बता दिया है अभी कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा, इसलिए पूछने से कोई समाधान नहीं मिल रहा बेटा। आप मिलोगे तभी होगा। डॉक्टरी वकालत और ज्योतिषी कभी भी फोन पर नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, जब तक क्या मिलोगे नहीं। तो देखिए अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको मुलाकात करनी होगी। बाकी दर्शकों उपाय जरूर अपनाया करें, उपाय अपनाने से ही लाभ होगा, सिर्फ फोन पर बात करने से लाभ नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कार्यक्रम को भी यहाँ पर विराम देने का समय हो चला है, आपने अपना समय दिया, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, जय शिवरात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है?
आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।